हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले पहले जब शुरुआत में हम बायोलॉजी स्टार्ट किए तो पहला चैप्टर हमारा सेल था। सेल हमने बहुत पहले ही कंप्लीट कर दिया था, लेकिन कुछ मैं उसमें भूल गया था। तो कुछ छात्र जो हैं, कुछ भाई और भाइयों लोगों ने हमें पर्सनल कमेंट किया था कि सर आप प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर लिखाए नहीं है, नहीं बताए हैं। तो आज मैं वही उसी को लेकर आया हूँ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अंतर देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अंतर। तो पहला देख लीजिए, ये आपके इंटर में पूछ लेता है, 4 नंबर में, 2 नंबर में पूछ लेता है, ये आपको ध्यान देना है। तो देख लीजिए, सेल सेल वाल उपस्थित होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल, और सेल वाल उपस्थित होता है यूकैरियोटिक सेल। ये दोनों कॉमन है, ये इसमें भी उपस्थित हो, इसमें थोड़ा मोटा उपस्थित रहता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मोटा, इसमें नहीं, इसमें पतला ही रहता है। यूकैरियोटिक सेल में मोटा होता है, इसमें जो अपना प्लांट सेल है उसकी बहुत मोटी परत होती है सेल वाल की, क्योंकि वो पेड़ पौधे देखते होंगे उतनी मोटी, और हम लोग देखो कितनी पतली रहती है सेल वाल, जो ये ऊपर है वही सेल वाल है। देखिए दूसरा, केंद्रिका अनुपस्थित होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रिका अनुपस्थित होती है। आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि मैं अब्सेंट ही लिखा हूँ प्रोकैरियोटिक में, उधर उधर इसमें अब्सेंट लिखा, उसमें प्रेजेंट वाला, तो आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। देखिए केंद्रिका अनुपस्थित होती है तो इसमें उपस्थित होगी केंद्रिका यूकैरियोटिक सेल में। राइट, देखिए ये 2 पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तीसरा देखिए, राइबोसोम 70S का इसमें होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में, और इसमें राइबोसोम 80S का होता है यूकैरियोटिक सेल में। आपको मैंने सब कुछ विस्तार से पढ़ाया हूँ, जो स्टूडेंट नए होंगे, नहीं पढ़े हैं, तो जूलॉजी नाम से प्लेलिस्ट जो जूलॉजी नाम से बनी उसमें जाकर देख लेना, सभी क्लास उसमें पढ़ी है, वहां से आप देख सकते हैं। तो 80S का होता है। और इसमें देखिए चौथा, माइटोकांड्रिया अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, माइटोकांड्रिया अनुपस्थित होती रहती है, थोड़ी बहुत रहती है, तभी इसमें अनुपस्थित लिख दिया गया है। और इसमें देख लीजिए, माइटोकांड्रिया उपस्थित होती है, लाइसोसोम अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, इसमें उपस्थित होता है लाइसोसोम, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। छठा पॉइंट देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होती है, और यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होती है, सॉरी सॉरी, इसमें प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है, इसमें उपस्थित होती है, मैं भूल कर उपस्थित बोल दिया। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, उपस्थित होती है। और देख लीजिए, गॉल्जी बॉडी अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में उपस्थित होती है गॉल्जी बॉडी। इनके उदाहरण देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक सेल किसमें पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल किसमें पाई जाती है, ये आपको याद रहना जरूरी है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल किसमें किसमें पाई जाती है। उदाहरण देख लीजिए, जीवाणु, विषाणु, पैरामीशियम, इवलीना, नीलहरित शैवाल, ईटीसी माने इत्यादि, और भी जीव है, सूक्ष्म जीव। तो प्रोकैरियोटिक सेल जीवाणु में, विषाणु में, पैरामीशियम, इवलीना, नीलहरित शैवालों में पाई जाती है। और यूकैरियोटिक सेल देखिए किसमें पाई जाती है, पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि में पाई जाती है, पेड़ पौधे और जीव जंतु में हम लोग यूकैरियोटिक जंतु हैं, जीव हैं, जंतु हैं, यूकैरियोटिक में है। समझ आया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस ये क्लास इतनी ही थी। आप ये छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेशन के माध्यम से बताइए, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और जो नए स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी लोगों को इस क्लास को लेने के लिए धन्यवाद।